इंदौर के विजयनगर थाना क्षेत्र के रसोमा चौराहे पर आने जाने वाले यात्री अचानक ठहर कर एक युवती का डांस देखने लगे जो चौराहे पर डांस कर रही थी। पहले तो एक बार लोगों को लगा कि ये इंदौर पुलिस की उस मुहिम का हिस्सा है जिसमें लोग अपने परिजनों के जन्मदिन पर ट्रैफिक की सेवा करने के लिए एक घंटा चौराहे पर ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर जब ये वीडियो वायरल हुआ तो लोग इसे महज लोकप्रियता पाने का एक तरीका मानने लगे। दरअसल इंदौर के रसोमा चौराहे पर एक लड़की का डांस करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। शहर के व्यस्त चौराहे में से एक रसोमा चौराहे पर श्रेया कालरा नाम की मॉडल चौराहे पर आकर रेड सिग्नल पर अचानक डांस करने लगी जिससे चौराहे पर खड़े लोग काफ़ी चौंक गए। हालांकि रेड लाइट के दौरान ही श्रेया ने इस डांस को किया और उसने अपने सोशल मीडिया पर लोगों से मास्क पहनने की अपील करते हुए डांस को अपलोड भी किया है। श्रेया ने दो वीडियो जारी करते हुए कहा है कि उसने कोई भी ट्रैफिक रूल ब्रेक नहीं किया है। जब सिग्नल रेड था तो वह जेब्रा क्रॉसिंग पर डांस कर लोगों को ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने के लिए प्रेरित कर रही थी। उन्होंने मास्क भी लगाया हुआ था जिससे लोग कोविड प्रोटोकॉल्स को भी गंभीरता से ले। इस वीडियो के वायरल होने के बाद DSP उमाकांत चौधरी का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि युवा एंटरटेनमेंट के लिए कई अलग अलग एक्टिविटीज़ करते हैं लेकिन उन्हें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि वह ऐसा कोई काम ना करें जिससे उनकी जान को कोई खतरा हो क्योंकि ट्रैफिक के समय पर ऐसा करना काफ़ी हानिकारक हो सकता है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना